हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 8th क्लास की इंग्लिश की जो ओपन स्काइज की बुक है उसका चैप्टर 7। और ये यूनिट 3rd में है जिसमें गेम एंड सपोर्ट से रिलेटिव आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है द विलियम सिस्टर। विलियम शारापोवा को तो आप सभी जानते होंगे। तो उनका बचपन, उनके जो सिस्टर, उनके फादर का जो ड्रीम था, वो ये किस संघर्ष में, किन डिफिकल्टीज का उन्होंने सामना किया, वो सारे इसमें जो हमारे जो चैप्टर है उसमें इसी से रिलेटिव ये बताया गया है। तो चलो हम टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम इस पे आ जाते हैं और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वार्म योर सेल्फ के आप के बारे में हम पढ़ते हैं कि बचपन से लेके और जब इन्होंने फेमस जो इनको मिली तो उस दौरान इनके साथ क्या क्या, मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज का इन्होंने सामना किया वो हम देखते हैं। बोट अप इन ए टफ नेबरहुड, जो ने टफ नेबरहुड होता है इनके, जो बचपन का जो बचपना है इनका, जो बचपन है बहुत टफ था, उस टफ कंडीशन में इनको पाला गया था। बोट अप होता है पालना। द स्पॉटी स्पेलिंग सिबलिंग्स सा टेनिस एज देयर वे टू द टॉप। इसके जो स्पॉटी सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स होते हैं इसके जो अदर भाई बहन होते हैं उनसे, उनको सिबलिंग बोलते हैं। तो इसके जो अदर भाई बहन थे जो, वो भी स्पोर्टी ही थे, यानी स्पोर्ट से ही रिलेटिव थे। टेनिस से, टेन को भी टेनिस में ही देखा गया है, जैसा कि वो भी कहाँ तक पहुंचे, टॉप तक पहुंचे हैं। सेरेना जेमेका विलियम्स एंड हर फेमस सिस्टर, ये सिस्टर के सेरेना जेमेका विलियम्स, ये इसका पूरा नेम है सेरेना विलियम्स का। और इसके जो फेमस सिस्टर हैं विनस एबोनिस्टर विलियम्स, इसकी दूसरी सिस्टर है विनस, जो इसके साथ ही टेनिस के अंदर प्ले करती है और ये भी काफी जानी मानी है। स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस एट ए यंग एज, काफी यंग एज में इन्होंने टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया था। वाइल ग्रोइंग अप इन द रफ कम्युनिटी ऑफ कॉम्पटन कैलिफोर्निया, जो जिस कंडीशन में कैलिफोर्निया के कॉम्पटन में की जो कम्युनिटी थी, जहाँ वहाँ का जो माहौल था वो बड़ा ही रफ था इनके लिए, उस कंडीशन में इन्होंने अपने आप को ग्रो अप किया था। एंड देयर फादर वॉन्टेड दैम टू एक्सल एट द स्पॉट, और इसके जो फादर थे वो चाहते थे ये अपने जो उनकी बेटियां थी उनके लिए वो ये चाहते थे कि वो बेटर बने। एक्सल होता है बेटर बनना, एट द स्पॉट यानी कि जो जिस में स्पॉट में वे जाए, वो खेल रही हैं टेनिस उसमें वो सबसे अच्छी हो, सबसे बेटर हो। एक्सल होती है बेटर, देखो दिखा देती हूँ, राइट कर रखा है यहाँ पे। ओके एंड एंड द सिस्टर्स डिड जस्ट दैट, और उनकी जो सिस्टर्स थी, ये सारी जो बहनें थी उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। थ्रू आउट हर चाइल्डहुड, बचपन में इनके जो बचपन था उनके थ्रू, सेरेना नेम वॉज एट द टॉप ऑफ द एमेच्योर रैंक लिस्ट, एंड बाय द टाइम शी वॉज 14 शी हैड ऑलरेडी टर्न्ड प्रो। जो सेरेना थी उसने सबसे ज्यादा जो टॉप पे पहुंची, और शौकिया भी थी वो, इस रैंक को पाने के लिए काफी शौकिया थी वो, मेहनत भी की उसने इस रैंक लिस्ट में, वो जो पहुंची थी वो रैंक लिस्ट में। एंड बाय द टाइम शी वॉज 14, तो उस समय वो कितने की थी, सबसे ज्यादा यंग एज की थी वो, 14 की थी इस समय जब उसने सबसे अच्छी रैंक हासिल की थी, टॉप पे पहुंची वो। शी हैड ऑलरेडी टर्न प्रो, और इस तरह से वो सबसे ज्यादा, सबसे पहले वो ऑलरेडी वहां तक टर्न कर चुकी थी वहां से, मतलब वहां तक पहुंचने में उसने जो टर्न लिया उसे रिलेटिव यहाँ पे बताया गया है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विनस वॉज बॉर्न ऑन 17 जून 1980, जो विनस, अभी हमने ऊपर जो विलियम सारापोवा की ही सिस्टर है उसे रिलेटिव बताया गया कि उसका जन्म कब हुआ था, 17 जून 1980 को, इन लाइन लाइनवुड, तो ये जगह का नाम है और ये कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। एंड सेरेना ऑन 26 सितंबर 1981, और जो विलियम्स सेरेना थी वो 81 में हुई थी, यानी इनमें एक ही साल का अंतर है। इन सेगिन्यू मचेगेम टू रिचार्ड विलियम्स एंड
ओरेशंस प्राइज, और जो इनके ये फादर्स का नेम है इन किसका, ये तो जिसका जो स्थान जो पैलेस है जहाँ पे ये जन्मी थी वो है, और ये जो रिचर्ड विलियम्स है ये इनके फादर्स नेम है, ये इनके पापा थे। एंड ओरेशन प्राइज ये इनकी आई थिंक ये पूरा नाम है या किसकी मदर का नेम है या कुछ डिफाइन नहीं कर रखा यहाँ पे। सेरेना इज द यंगेस्ट ऑफ रिचार्ड 5 डॉटर्स, जो सेरेना थी उसके वो रिचार्ड की उसके मतलब 5 डॉटर्स और थी उनसे बड़ी थी वो। जो सेरेना है विनस से छोटी है, लेकिन जो उसके 5 और थी ये 7 बहनें थी तो 5 और से वो बड़ी थी। द अदर्स आर नेम्ड गेटंड लाइंड्रिया ईशा प्रिंस एंड विनस, तो ये इनके बहनों की सिस्टरों के नाम हैं। तो हम आगे देख लेते हैं। रेंड इन टू द टॉप इन इन द टॉप 5 इन द वर्ल्ड फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, द प्रोडिगल, प्रोडिगल होता है खर्चीला, मतलब जो टॉप इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ सालों के अंदर मतलब पास्ट के जो कुछ साल बीते हैं इनके उसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर इन ऑल द वर्ल्ड टॉप 5 की रैंक हासिल की है इन्होंने कुछ बीते सालों में, टॉप 5 पे पहुंचे हैं ये। विलियम्स सिस्टर्स हैव स्टम्ड द वर्ल्ड, और जो विलियम सिस्टर हैं यानी कि जो विलियम्स ये जो बहनें हैं हैं इन्होंने स्टंड होता सुप, एक तरह से सरप्राइज क्या है सबको, स्टंड से सरप्राइज यानी कि इतनी टॉप रैंक पे ये पहुंची हैं, छोटे से गांव से निकल के आई हैं कैलिफोर्निया के तहसील से, सॉरी तो वहां पर कितने वर्ल्ड में पहुंच गए, टॉप 5 में पहुंचे, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने स्टंड कर दिया, सरप्राइज कर दिया। द की टू देयर गेम इज फास्ट सर्विस एंड स्ट्रॉन्ग रिटर्न दैट एग्जॉइट देयर ओपोनेंट्स ऑन द कार्ट, मतलब की टू देयर गेम्स इज फास्ट सर्विस, जिस गेम की जो सबसे फास्ट जो चाबी थी की थी उसको सबसे फास्ट सर्वे किया है, एंड स्ट्रोंग रिटर्न यानी कि काफी मजबूती से उसको रिटर्न किया है, उसकी वापसी की है, एंड दैट एग्जॉइट एंड उसको उसको समाप्त कर दिया है, ओपोनेंट्स होता है मतलब अपने विरोधियों को, जो इस कोर्ट में खेलते हैं ना इस खेल में जो खेलते हैं उनको काफी स्ट्रोंगली से उस अपने गेम में रिटर्न किया उन्होंने और अपने विरोधियों को समाप्त कर दिया, यानी कि उनके सामने वो टिक नहीं पाए, उनको हरा दिया, समाप्त करने का मतलब है उनको हरा दिया, और टॉप 5 में वो पहुंच गई। ओके नेक्स्ट है द सिस्टर्स पाथ इनटू प्रोफेशनल टेनिस वाज प्लॉटेड बिफोर देयर बर्थ, कि सिस्टर जो ये जो प्रोफेशनल तरीके से टेनिस के अंदर आई हैं, जो सिस्टर्स हैं विलियम सिस्टर हैं, इनकी साजिश इनके बर्थ से पहले ही रच दी गई थी, बर्थ से पहले रच दी गई थी, मतलब कि जो इसके फादर थे वो पहले ही जब हुए तब मतलब उनके फादर को भी टेनिस का बड़ा शौक था, तो वो जब भी टेनिस देखते थे तो ऐसे सोचते कि मैं मेरे जो भी होंगे बेटा या बेटी जो भी होंगे उनको भी मैं इसी लाइन में ग्रो करूंगा। देयर फादर रिचार्ड विलियम्स लव्ड टू वॉच टेनिस ऑन टीवी, देखो उनके जो फादर थे रिचार्ड विलियम्स वो उनको ऑन मतलब टीवी के ऊपर टेनिस देखना बड़ा ही पसंद था, हमको बहुत प्यारा था। एंड ड्रीम्ड ही वुड वन डे वॉच हिज येट टू बी बॉर्न चिल्ड्रन प्ले ऑन द स्क्रीन, और एक दिन जब वो वॉच ये सामने बैठे थे वॉच ये देख रहे थे स्क्रीन के ऊपर, तब उन्होंने अपने बच्चों को येट टू बी बॉर्न चिल्ड्रन प्ले ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को ऐसे खेलते हुए देखा, मतलब खेल नहीं रहे थे वो, इसने ड्रीम ले लिया, सपना ले लिया कि जो खेल रहे हैं ये उसी के बच्चे खेल रहे हैं। ही द फर्स्ट 3 डॉटर्स वर नॉट डेस्टिनाइड टू बी टेनिस स्टार, इसके जो पहले 3 जो डॉटर्स है इसकी वो तो इसमें उनकी किस्मत इस टेनिस स्टार बनने की नहीं हुई, तो है तो वो टेनिस के अंदर लेकिन वो इतनी स्टार नहीं बन सकी, जितना नाम नहीं कमा सकी जितना कि सेरेना ने और विनस ने कमाया है। बट विनस सेरेना टू द गेम इमिडिएटली,
लेकिन जो विनस और सेरेना है उन्होंने बहुत तुरंत इमिडिएटली गेम में अपना नाम कमा लिया। When the children were young, यानी कि जब वो बच्चे थे, वो जवान हुए, यंग हुए, the family moved to Compton, California, where जिनकी जो फैमिली थी वो कॉम्पटन कैलिफोर्निया से, और कहाँ पे मूव हो गई, कॉम्पटन से कैलिफ, जहाँ पे वो, देखो मैं अभी थोड़ा सा इसको सेट कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल। सेरेना स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस एट द एज ऑफ 4, जहां पर उसने, सेरेना ने टेनिस खेलना स्टार्ट किया था, वो उसकी कितनी एज थी, 4 एज थी। जब ये कॉम्पटन से कैलिफोर्निया गए, मूव टू कॉम्पटन कैलिफोर्निया, यानी कि वहां से उन्होंने मूव कर लिया, जहाँ जन्मे थे ना ये, कॉम्पटन कैलिफोर्निया वहां पर उन्होंने जन्म लिया था, बर्थ हुआ था इनका, वहां से मूव कर लिया उन्होंने, मतलब वहां से चले गए। और जहां से सेरेना ने अपने टेनिस को स्टार्ट किया था, उस समय इनकी एज क्या थी, 4 थी, 4 इयर्स की थी। हर फादर होम स्कूल्ड सेरेना एंड हर सिस्टर विनस एंड टू दिस डे। और जो उसके जो फादर थे, इन्होंने जो होम स्कूल में, यानी आसपास के जहाँ पे ये रह रहे थे, वहां पे होम स्कूल में जब वहां पे डाला गया सेरेना और उनकी सिस्टर थी विनस, एंड टू दिस डे, और उसी दिन सेरेना विलियम्स रिमाइंस कोस्ट बाय बोथ हर पेरेंट्स। तो सेरेना विलियम्स ने अपने कोच को रिमाइंस करवाया, मतलब उनको वहां से, इससे रिलेटिव, टेनिस से रिलेटिव जो खेलते थे, स्पोर्टी थे ये, तो वहां पे इन्होंने, सेरेना विलियम्स ने अपने रिमेंस अपने कोच को, दोनों से जो पेरेंट्स थे उनके, उन दोनों से मिलाया इनको। 4-6 आवर्स ए डे दे वुड प्ले विद टेटी रैंक्स एंड डड बॉल्स अगेंस्ट ए 4-6 आवर्स, यानी 6 घंटे एक दिन में, मतलब एक दिन में 6 घंटे दे वुड प्ले, ये खेलते थे, मतलब पूरे दिन में 6 घंटे खेलते थे, एंड विद टेटी रैक्स एंड बेकार, मतलब इनके पास जो रैकेट्स और जो जो बॉल्स होती थी ना, वो डड होती थी, यानी बेकार होती थी, मतलब इनके पास अच्छी बॉल्स और रैकेट्स नहीं होती थी। जैसे इनको खराब, जैसे कुछ कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, रिस्ट होते हैं, उनके पास अच्छे होते हैं, तो वो खेल कर फेंक देते हैं ना, बेकार हो जाते हैं, थोड़ी बहुत टूट फूट जाती है, तो उनसे ये खेलती थी। वॉल और ऑन ए पॉट होल्डेड कॉर्ट, और जो जहाँ पे वो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके अगेंस्ट, वहां उस कोर्ट में ये खेलती थी। व्हाइल देयर फादर शाउटेड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए टेनिस, और इसके इनके जो फादर थे वो जोर जोर से चिल्लाकर चिल्लाकर इंस्ट्रक्शन देकर टेनिस से जो इसको सिखाते थे ना, इंस्ट्रक्शन देते थे, इसके जो फादर थे, जब ये आपस में खेलती थी इनकी सिस्टर, ये जो विलियम सिस्टर हैं, तो इनके जो फादर थे इनको चिल्ला चिल्ला के इंस्ट्रक्शन देते थे कि ये इस तरह से करो, इस तरह से मत करो, ये खराब बॉल जा रही है, इसको इस तरह से फेंको, इसको इस तरह से मारो। तो ये कैजुअल इनकी ट्रेनिंग स्टार्टिंग किससे हुई, इनके इसके पापा ही देते थे। बोथ ऑफ देम बिगेन टू कंप्लीट बिफोर दे वर 5, जब दोनों ने शुरुआत की थी, जब दोनों के बीच में ये मुकाबला हुआ था, शुरुआत का मुकाबला हुआ था कंपटेंट का, दे वर 5, तो वो 5 साल से पहले ही शुरू हो गया था, मतलब 5 साल की भी नहीं हुई थी, 5 ईयर्स की भी नहीं हुई थी, उससे पहले इनका मुकाबला स्टार्ट हो गया था। दे हैड नॉट येट ग्रोन दे हैड नॉट येट ग्रोन अप टीनेजर्स वैन इनविटेशन टू नेशनल ट्रेनिंग कैंपस वर ड्रॉपिंग थ्रू देयर पोस्ट बॉक्स इन कॉम्पटन एले। मीन्स यहाँ पे है कि जब ये ग्रो, इन्होंने अच्छे से ग्रो भी नहीं किया था, टीनेजर होता है, टीनेजर होता है, जैसे यूथ जो लोग होते हैं ना, यूथ, युवा लोग, मतलब ये अभी तक ये यूथ भी नहीं हुई थी, युवा भी नहीं हुई थी। वैन इन्विटेशन टू नेशनल ट्रेनिंग कैंपस, तो जो इंटरनेशनल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, जो नेशनल स्तर जो ट्रेनिंग कैंपस होते हैं, वहां से इनको इनविटेशन आने लग गए थे। एंड वर ड्रॉप थ्रू देयर पोस्ट बॉक्स इन कैंपटन एले, तो ये किसके ड्रॉपिंग हुए, किसके थ्रू, तो ये वहां का नेम है कि पोस्ट बॉक्स इन कैंपटन एले के थ्रू यहाँ पे उनको
वहां से इनको बुलाया गया था। ओके, आज हमारा इतना ही पार्ट, हम पार्ट फर्स्ट डालेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो उसके साथ एक लाइक जरूर दे दीजिए, और आप सेकेंड पार्ट में जल्दी ही लेके आऊँ, उसी के साथ हम इसका चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और देन थर्ड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर और यूजिंग ग्रामर मैं आपको करवा दूंगी। ओके गाइज, बाय बाय।